दोस्तों आईपीएल 2020 का सीजन शुरू होने में महज अभी काफी समय बचा हुआ है और हाल ही में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। किंग्स इलेवन पंजाब रविचंद्रन अश्विन को कप्तानी से हटाकर उन्हें कर सकती है कई दूसरी टीम में ट्रेड। तो क्या है ये खबर, पूरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो क्रिकेट प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको मिलते रहे सबसे पहले। पिछले काफी समय से भारतीय टीम के खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन के लिए कुछ भी सही नहीं जा रहा है, जहां उन्हें 2017 चैंपियन ट्रॉफी के बाद सीमित ओवरों की टीम से बाहर कर दिया गया, तो वही अब टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी जगह पर कब्जा करने के लिए कई दावेदार मौजूद है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्हें टीम में जगह नहीं मिली और उनकी जगह रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया। टेस्ट टीम से बाहर होने के बाद अश्विन को एक और झटका लग सकता है। अश्विन को किंग्स इलेवन पंजाब ने 2018 में अपनी टीम में शामिल किया था और टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन अश्विन की कप्तानी में पंजाब का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उनके कप्तानी में 2018 और 2019 के सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब एक भी बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई। अश्विन कई बार ज़्यादा प्रयोग करने और खिलाड़ियों को लगातार प्लेइंग इलेवन से अंदर बाहर करने के कारण भी आलोचना का शिकार हुए। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे हालात में किंग्स इलेवन पंजाब रविचंद्रन अश्विन को कप्तानी से हटा सकती है और साथ ही उन्हें ट्रेड करने के लिए दूसरों टीमों से बात कर रहे हैं। अश्विन को किंग्स इलेवन पंजाब ने आईपीएल 2018 से पहले 7.6 करोड़ रुपए में खरीदा था। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स दो फ्रेंचाइजी है जिनके साथ किंग्स इलेवन पंजाब अश्विन को ट्रेड करने के लिए बातचीत कर रही है। दिल्ली के पास कई स्पिनर है और अश्विन जैसा स्पिनर उनकी गेंदबाज को और मजबूती प्रदान करेगा। राजस्थान रॉयल्स भी अश्विन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए इच्छुक है। राजस्थान रॉयल्स कृष्णप्पा गौतम को किंग्स इलेवन पंजाब के साथ ट्रेड कर सकती है। अगर अश्विन राजस्थान की टीम में शामिल होते हैं तो वो स्मिथ की कप्तानी में खेलेंगे, जिनकी कप्तानी में वो पहले भी आईपीएल में खेल चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रविचंद्रन अश्विन को किंग्स इलेवन पंजाब अपनी टीम के कप्तानी से हटाकर उन्हें दूसरी टीम में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो क्रिकेट प्लेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको मिलते रहे सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।